21,000 जज हैं, 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट। मैंने सारा केस पढ़ा, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तो जा और जाके सच को साबित कर दे। केस से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल बाहर लीक नहीं होना चाहिए। मैं इतना कहूंगा कि आप सच्चाई के बहुत नजदीक हो। कोर्ट में गाय देंगे तो सच भी साबित हो जाएगा। पेप्सी और प्रमोद अपना फार्मूला बताते नहीं तो निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। दीपक है जनाब, ये दीपक है, खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे मातर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। वैसे तो हिंसावादी इंसान हूं, लेकिन एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुट 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, मां कसम, या कान के नीचे घुसंड मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर से। वेलकम टू अहमदाबाद। जैसे यू नो अक्षय सर से बात हो रही थी अभी गाड़ी में, के गुजरात के जमाई है, जमाई ने गुजराती में कुमार कहेवानो अपने शुं आदत होय, तो ऑलरेडी अक्षय तो कुमार छे, तेमनो जोरदार स्वागत करिए। अने सर अहमदाबाद में आके कैसा लग रहा है? जी ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, बहुत बार आ चुके हैं यहाँ और हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि गुजरात इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी, मेरी पहली फिल्म कहीं और नहीं चली, यहाँ सबसे ज़्यादा चली थी। सो इट्स और जैसे आपने कहा है कि मेरा तो रिश्ता हो चुका है, मैं यहाँ का बहनोई हुआ। क्या हुई क्या सॉरी जमाई हो गया। सो और हुमा जी आप भी अहमदाबाद में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने एक फिल्म भी यहाँ पे शूट की है अहमदाबाद में, डी डे, तो मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे थी और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं अहमदाबाद के साथ, यहाँ के लोगों के साथ। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कम बैक। चलिए वेलकम टू अहमदाबाद और आपकी पिक्चर के लिए शुभकामना। और साथ हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, प्लीज आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज बी सीटेड सर। मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक अच्छी चीजों का वेट करना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि बदलापुर के बाद ये मेरी अगली रिलीज होगी विद हिम एंड विद सच अ लवली स्टोरी। तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि यू शुड वेट फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। No, I have lots of dreams, so this is one of the dreams. And yes, I बचपन में मैंने मेरे पिताजी मुझे अकबर बीरबल की कहानी सुनाते थे, तो जब मैंने ये कहानी सुनी थी और मेरा किरदार सुना था तो मुझे बीरबल की याद आ गई थी। सो एंड आई फेल्ट दैट आई कुड प्ले दिस रोल जस्ट एज अ कैरेक्टर, जब मुझे मेरे फादर मुझे कहानी सुनाते थे how Birbal could be, so I could play this character. So whatever character, the way I have played it, it is exactly what I had visualized in my childhood that how I would be playing. दिखाया गया है कि इंडिया में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए या नेगेटिव? यहाँ जजेस बहुत कम है, 21,000 जजेस फॉर 3.5 मिलियन केसेस पेंडिंग, आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। हमारे यहाँ जजेस होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए। मुझे लगता है जैसे कि मैं किसी को बता रहा था कि 10 लाख केसेस के ऊपर सिर्फ 17 जजेस हैं, सिर्फ 10 लाख केसेस पे सिर्फ 17, जबकि अमेरिका जैसे देश में 10 लाख केसेस पे होते हैं 117-120 जजेस। तो आप हिसाब लगा लीजिए, इसीलिए वक्त लग जाता है, 10-10 12-12 साल लग जाते हैं एक केस को।
ये नहीं है कि हमारे जजेस की प्रॉब्लम है, एक्चुअली इट इज बेसिकली हमारे पास जजेस ज्यादा हैं नहीं, एंड आई होप कि एक दिन आए मतलब कि हमारे पास 10 लाख केसेस में करीबन ना करीबन 50 से 55 जजेस जरूर होने चाहिए, एंड देन द जजमेंट कैन कम 4 साल में 3 साल में ऐसा हो जाए. One great role. One dream role of yours, जो आपको अभी तक करना बाकी है. Well, I keep on, as I told her, I keep on dreaming. Okay. I love to dream, okay. And everybody should dream. It is good to dream, okay. Because with that only comes lots of things which you require in life. And so, एक ऐसा मैं particular role नहीं कह सकता हूँ. मैं villain का भी role करना चाहता हूँ. Villain का भी role कर रहा हूँ. Robo में कर रहा हूँ. मैं अलग अलग किरदार के रोल करो, जैसे मैं अभी एक फिल्म मेरी हाल ही में ख़त्म होने वाली है जिसका नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा. वो टॉयलेट्स के ऊपर है और क्या होता है. तो मतलब आई कैन नॉट टेल यू एट द मोमेंट कि उसके ऊपर क्या एग्जैक्टली कहानी है, लेकिन उसमें हंसने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मतलब टॉयलेट के अंदर कथा शुरू नहीं होती. सो देर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड टॉयलेट एक प्रेम कथा. बस यही कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में आप लोग सब जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, 54% इंडियंस डोंट हैव टॉयलेट्स इन देयर हाउस. सो दैट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग. एंड सो आई गॉट दिस स्क्रिप्ट, एक सच्ची घटना पे थी ये स्क्रिप्ट, सो उसको लेके जस्ट आई हैव लॉट्स ऑफ, अभी बहुत फिल्में करनी है, बहुत रोल करने हैं. आई जस्ट होप कि जो मुझे रोल दिया जाए आई डू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. देयर इज नो वन पर्टिकुलर ड्रीम रोल. आई डोंट, जॉली हैज अ डिग्री, आई डोंट हैव अ डिग्री. पुष्पा बेवड़ी है और मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो आई थिंक दैट्स कमाल है. ड्राई स्टेट में ये बातें बोल मैं प्रमोट कर रही हूँ. मैं तो आई एम तो प्रमोटिंग इट. He is not only making a pack, he is cooking for me. वो मेरे पाँव भी दबाते हैं, बाहर काम भी करते हैं. तो you like to have a husband like me? Yes sir. At some moment. At some moment. At some moment. Do you? Plays a lot of pranks on sets with his co-actors. Fabulous. He is a fabulous co-star and a fabulous person to work with. And I'm so glad that I got an opportunity to work with him. And of course, it's a beautiful script, a beautiful story, but we finished the whole film in like, I think it's a 33 days we finished the whole film. And a lot of pranks he's played. One, of course, he used to take my phone and used to message a lot of guys from my phone saying I love you and I want to marry you. Then after that, I used to call them and say, no, I don't love you and I don't want to marry you. It is actually Akshay Kumar who sent those messages. It's not stunts, but there's a very beautiful sequence in the film where I sort of become the man in the situation. There's a little bit I can't tell you because I don't want to reveal the story. But there's a situation where he's in trouble and I sort of take over. Hyderabad se nahi, matlab main Banaras mein tha na shooting, Banaras mein tha, to wahan shoot. Aur Hyderabad mein mujhse kisi ne pucha tha, to wahan kaha tha. और ये पान खाने का जो किस्सा है ये मैंने बनारस में जब शूटिंग कर रहा था तो बनारसी पान खा रहे थे तो बस वहीं किया था. वैसे मुझे खाने का इतना शौक नहीं. बिल्कुल लाना चाहिए, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड. वैसे ऐसा तो हमने सोचना भी नहीं चाहिए कि लड़का है तो लड़की क्यों नहीं. आई थिंक वी आर ऑल इक्वल एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ आई वुड से वुमेन आर मोस्ट स्ट्रॉन्गर देन मैन एंड दिस आई कैन टेल यू विद एग्जांपल्स ऑफ लाइफ. मैं तो खैर वुमेन अकेडमी चलाता हूँ मार्शल आर्ट की, तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. एंड सो मतलब दे शुड कम फुल विद विल विद फुल फोर्स. तो मेरा करियर बंद करने के चक्कर में नहीं, मैं नहीं समझा मैम. आपने अलग अलग काफी शेड्स के जी एक
नहीं जी, परफेक्ट कलाकार से ये एक ऐसा कुआं है जो बहुत डीप है, जितना नीचे पहुंचो और डीप हो जाता है सो कलाकार कभी भी यू कैन नॉट बी सैटिस्फाइड, लाइक मुझे अभी तक कभी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है और आई जस्ट वांट टू कीप ऑन वर्किंग मोर हार्डर एंड लर्निंग मोर हार्डर. जस्ट लाइक इस फिल्म के अंदर 26 साल के बाद भी मैंने इस फिल्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मेरे साथ जितने और एक्टर्स थे वो बड़े बड़े मतलब एक्टिंग एकेडमी से आए हुए लोग थे, जैसे अनु कपूर साहब हुए, कुमुद मिश्रा साहब हुए, सौरभ शुक्ला जी थे जो हमारे डायरेक्टर हैं, सुभाष कपूर साहब. सो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा इस फिल्म के दौरान. सो आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड लिसन. सो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती. मैं कहा ना, आप बहुत और एंड ऑन बहुत बहुत डीप है ये चीज़ें. इतनी जल्दी क्या पता कि 2-3 साल बाद फिर मैं एक बार और ये कैरेक्टर खेलूँ, क्या कहते हैं, वकील का, एंड उसके अंदर कुछ अलग हिसाब से खेले. सो कुछ एक जगह पे नहीं आप से रुक सकती. गायक वो थोड़ी हो रहा है, सारे गाँव थोड़ी हो रहा है. पर मैं बैटिंग आराम से गाऊँ. अच्छी मैं तो बहुत नर्वस थी डांस करने के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले ज़्यादा डांस किया नहीं है फिल्मों में, तो और एक्साइटेड भी थी. तो मैंने तो सबको बोल दिया था कि मुझे खूब रिहर्सल करनी है और सब कुछ करना है, बट ही वुड जस्ट कम ऑन सेट एंड ही वुड फटाफट कि दिखाओ स्टेप क्या है, हाँ चलो ओके ओके शूटिंग. So I used to be like, how do you, मतलब फटाफट आप कैसे कर लेते हो? So that I want to actually learn from him, कि एक बार ही step देख के कैसे कर लेते हैं. He just sees it once and he's able to do it. या कोर्ट के अंदर जाए कि ना जाए? जी, मैं ये message देना चाहता हूँ film के दौरान और मेरी समझ में जितना कुछ आता है, मैं कोई advocate नहीं हूँ और ना मैंने कोई law सीखा है, ना मैं कोई sections जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, इतना ज़रूर समझता हूँ हल्का फुल्का, उसका कारण है आप और आप लोग मीडिया है, जर्नलिस्ट है, ये भी ज़रूर जानते होंगे, और अगर ना जानते मैं आपको बता दूँ कि कई बार होता है रात के लेट लेट कोर्ट केसेस चलते हैं. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में कोई ऐसे केसेस होते हैं जो कि रात के 2-3 बजे तक चलते हैं. तो ऐसा नहीं है, सिस्टम दे आर ट्राइंग टू वर्क वेरी हार्ड, बट देर आर लॉट ऑफ केसेस. जैसे कि ट्रैफिक की केसेस, आपको पता है कि इतने सारे केसेस 3.5 मिलियन केसेस के, 3.5 करोड़ केसेस के अंदर ट्रैफिक केसेस आर एटलीस्ट अबाउट 35%. तो वो एक अलग केस चल रहा है, वो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, और कितने लोग तो खामखाम भी केस कर देते हैं जस्ट मतलब जस्ट फॉर इफेक्ट्स. और इसके अंदर वो ये भूल जाते हैं कि हम पब्लिक का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जज का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कितने लोग जो जेल में पड़े हैं उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको वो नहीं मिल पा रही कि उनका टाइम नहीं आ रहा है, तो दे आर स्टिल इनसाइड द जेल. सो देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑल्सो. सो एज अ पब्लिक, एज अ पीपल, वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट इट. सो मुझे लगता है जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि बिल्कुल जाना चाहिए, एंड वी शुड बिलीव इन आर ज्यूडिशियरी. They are trying their level best and they are doing their very good job and in the capacity of having only 21,000 judges. That's it. Sir, कौन सा केस झूठे बोले जीता जा सकता है? बिना झूठे बोले जीता जा सकता है? बिना झूठ बोले बहुत सारे केसेस है जनाब. ऐसा मतलब मैं बैठ के कौन सा केस आपको गिनवाऊं अभी, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं. हाँ, वक्त जरूर लग जाता है, कभी कभी हायर कोर्ट में जाके करना पड़ता है अपील, एंड देन यू रियलाइज कि ऐसा हुआ. कितने केसेस होते हैं जो सच बोलने के बेसिस पे आगे जाके साबित हो जाते हैं बड़े बड़े कोर्ट्स में कि ये सच था. सो दोस काइंड ऑफ केसेस सिस्टम में बदलाव, जैसे कहा जजेस ज़्यादा होने चाहिए, वी नीड मोर जजेस. जैसे ट्रैफिक के केसेस हैं, ये सब 35% केसेस को हटा के कोई उसके लिए और स्पेशल और अलग कोर्ट्स होने चाहिए. फिर 60 साल की उम्र में जज रिटायर्स,
आई थिंक उसको बढ़ा के 62 कर देना चाहिए. सो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स वी कैन डू एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू डू इट सो दैट द पीपल कैन गेट जस्टिस इन अ मच क्विकर वे. It goes for a little while to Kashmir, but when it goes to Kashmir, it doesn't mean it goes to terrorism or anything. That is a wrong notion you have. So don't go into get into that. It has nothing got to do with that. We have two or three cases that have come together. And किस हिसाब से कैसे लड़ता है ये एक मेरा जो किरदार है मैं एक 15th assistant हूँ of a law firm. And how I fight that case and so bahut sari aise cheez. All right sir, thank you very much. You all have been very patient. Thank you. Thank you so much.